वर्तमान में सातवां वेतन आयोग लागू है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। ऐसे में उम्मीद है कि 1.5 साल के बाद आठवें वेतन आयोग लागू हो जाएगा। जैसे ही आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा तो बहुत से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बता दें कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा। इसमें करीब 49 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगी है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होगा, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर्मचारी की सैलरी और पे मैट्रिक निकालने में मदद मिलती है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश गया था, जिसके बाद कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में करीब 14.29% का इजाफा हुआ। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी करीब 18,000 रुपये हो गई थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.68 गुना हो सकता है। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। आठवां वेतन आयोग में बदलेंगी ये चीज़ें। बेसिक सैलरी में होगी बढ़ोतरी, अलाउंसेस या भत्ते में होगा इजाफा, पेंशन राशि बढ़ेगी। आठवां वेतन आयोग कब किया जाएगा लागू? आठवां वेतन आयोग के विषय में बात करते हुए वित्त मंत्री माननीय पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा है कि जून 2024 में आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए 2 प्रस्ताव मिले थे। वैसे कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में इस वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इस सातवें वेतन आयोग का गठन 28 जनवरी 2024 में किया गया था और सातवें वेतन आयोग का 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसके हिसाब से देखा जाए तो 1 जनवरी आठवें वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है। अभी के लिए आठवें वेतन को लेकर इतना ही अपडेट है। आगे जो भी अपडेट आता है वो आपको खबर विभाग के जरिए पता चल ही जाएगा, इसलिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी जमकर लाइक और शेयर करें।